इस आदमी ने कबाड़ के सामान से कुछ ऐसा बना दिया जिसे देखकर किसी को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। यूएसए के रहने वाले केन इमोव को बचपन से ही गाड़ियों से काफी प्यार था और वो इन पर काम भी किया करते थे। इसके बाद जब उन्होंने एक स्पोर्ट्स कार मूवी देखी तो इनके अंदर जुनून भर आया, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वे उस कार को खरीद सके। तो वैसी एक कार उन्होंने कबाड़ के सामान से बनाने की सोची जिसमें उन्हें पूरे 17 साल लग गए। पर जो कार उन्होंने बनाई उसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। उन्होंने 1990 में उस कार को अपने बेसमेंट में बनाना शुरू किया, जिसके लिए सबसे पहले उन्होंने डिजाइन के लिए लकड़ी का फ्रेम तैयार किया, फिर उसके अकॉर्डिंग मेटल पर काम शुरू किया। इस कार को उन्होंने अपने हाथों से तैयार किया और कुछ अपने एक दोस्त की मदद ली। ये काम इतना आसान बिल्कुल नहीं था, लेकिन फाइनली 17 सालों की मेहनत के बाद 2008 में उनकी ये कार बनकर तैयार हो गई। वो कार बिल्कुल लैम्बोर्गिनी काउंटेस की डुप्लीकेट थी जिसे उन्होंने खुद बनाया था। वो काफी खुश थे क्योंकि इस कार को देखकर हर किसी ने उनकी तारीफ की। दोस्तों, ऐसे और वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।